नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर, और खबर आपको चौंकाने वाली भी है और पुलिस को गुदगुदाने वाली भी। इटाढ़ी की पुलिस ने बीते दिन छापेमारी कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया और 3 हथियार बरामद हुए। अब यहां चौंकाने वाली खबर यह है कि एक हथियार के साथ 2 लोग पकड़े गए और एक जगह एक व्यक्ति के घर से 2 असलहे मिले। लेकिन इनमें एक गिरफ्तार आरोपी ऐसा है जो सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वह कट्टे से केक काट रहा था। गैर प्रदेश वालों को तो शायद समझ में न आया, लेकिन बिहार के लोग जानते हैं यहाँ कट्टा फिल्मी गीतों में भी अक्सर सुनने को मिलता है, देसी तमंचा जिसे यहाँ के लोग कट्टा कहते हैं। जितेंद्र राम नाम का एक शराब तस्कर जब गिरफ्तार हुआ तो उसके फोन में एक वीडियो मिला। उस वीडियो में पुलिस ने देखा कि एक व्यक्ति बर्थडे केक जिसे जन्मदिन के मौके पर काटते हैं वह कट्टे की नाल से केक काट रहा है। पुलिस ने पूछा कि यह व्यक्ति कौन है, तो उसने बताया मेरा साथी है गोल्डन कुमार। हम उसके बारे में आपको बताएंगे, फिलहाल एसपी की बातें सुन लीजिए, क्योंकि बगैर पुलिस कप्तान की तस्दीक के खबर चलाना जोखिम से कम थोड़ी है। ये कल संध्या जो है इटाढ़ी थाना पुलिस को सूचना मिली थी, उसके आलोक में इन लोगों के द्वारा छापेमारी की गई। एक व्यक्ति जा रहा था तो उसको काफ़ी दूर चेज करके इन लोगों के द्वारा पकड़ा गया। उसके पास से 200 ml का 26 पीस ये मिला, स्लाब मिला, और एक कंट्री मेड कट्टा मिला उसके पास। उसकी निशानदेही पे उसके एक अन्य साथी को भी गिरफ्तारी की गई। एक अन्य जगह इटाढ़ी थाना पुलिस द्वारा छापेमारी की गई तो वहाँ पे घर से एक कंट्री मेड डबल बैरल गन और एक कट्टा 3 गोलियाँ बरामद की। क्या इतिहास है इसमें? एक व्यक्ति जो शराब के साथ पकड़ाया उसका 2 पहले से कांड है, उसके विरुद्ध दर्ज है, बाकियों का देख रहे हैं हम लोग। अब किस तरह के मामले हैं? दोनों का एक्साइज से संबंधित ही है। एसपी मनीष कुमार ने पीसी के दौरान आज 29 सितंबर को यह जानकारियां दी, जिसके अंश भी आपने सुने और अभी आपके सामने वह 3 असल है जो एसपी के टेबल पर पीसी के दौरान रखे हुए थे। अब आइए, अब आपको खबर के मूल विषय की तरफ ले चलते हैं। जितेंद्र राम उर्फ जग्गू जो कोच इटाढ़ी का रहने वाला है, उसे बीते दिन इटाढ़ी की पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके पास से 26 पीस ब्लू लाइन शराब मिली और के बैग में एक देसी तमंचा भी मिला। पुलिस ने तलाशी के दौरान उसके पास से मोबाइल जब्त किया और मोबाइल का जब वीडियो खंगाला गया तो पता चला एक युवक उसमें, जैसा कि हमने आपको बताया, देसी तमंचे से केक काट रहा है। पुलिस ने पूछा यह कौन है, तब जग्गू ने बताया इसका नाम गोल्डन कुमार है, यह ग्राम ताजपुर थाना इटाढ़ी का रहने वाला है और मेरा साथी है। पुलिस ने उसे भी इस आरोप में दबोच लिया। आप पीछे यहाँ 3 गमछों के नकाब से ढके लोगों को देख रहे हैं, यह तीनों वही आरोपी हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनमें से एक व्यक्ति का नाम चंद्रशेखर सिंह है जो ग्राम कुकुड़ा के रहने वाले हैं। पुलिस को सूचना मिली इन्होंने अपने घर में अवैध असलाह रखा है। टीम ने वहां धावा बोला तो अलमारी के पीछे दीवार में एक सुराख बनाया हुआ था, उससे 1 2 नाली बंदूक, 1 देसी तमंचा और 3 कारतूस मिले। यह है इस पूरी खबर की जानकारी।